सुपेबेड़ा पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में हो रहे किडनी की बीमारियों से मौतों का हालात जानने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने पीड़ित मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि सुपेबेड़ा में 2.5 साल से एक एक कर किडनी के मरीजों की मौत हो रही है। अब मौत का ये आंकड़ा बढ़कर 64 हो गया है। प्रशासन गाँव में व्यवस्थाओं के पुख्ता करने का दावा करता आ रहा है मगर हर मौत के बाद व्यवस्थाओं के दावे की पोल खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसा है गांव सुपेबेड़ा। किडनी की बीमारी अब इस गांव की पहचान बन गई है। किडनी की बीमारी से अब तक गांव में 64 मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग अभी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। अब तक की रिपोर्ट में दूषित पानी को किडनी की बीमारी का कारण बताया गया है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दी गई है। इस गांव में 2005 से शिकायत मिल रही थी, लेकिन 2017 में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। तब से ये मामला प्रकाश में आया। शासन प्रशासन को और राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनेक बार इसकी जानकारी दी गई। अधिकारी आए, मंत्री आए, लेकिन कोई निदान नहीं ढूंढ पाया। आज तक के इस गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है लगातार क्लोराइड के, आर्सेनिक के और जो हैवी मेटल्स है उसकी जांच हुई नहीं। केवल आयरन क्लोराइड के ही जांच हो पाई है और उसमें भी अधिक पाया गया है। न केवल सुपेबेड़ा बल्कि आसपास के गांव में भी अधिक क्लोराइड की मात्रा की शिकायत मिली है। 65 गांव में जो स्कूल के जो हैंडपम्प लगे हैं उसकी भी जाँच की गई है, लेकिन उसमें भी 30 गाँव में क्लोराइड की अधिकता की मात्रा पाई गई है। मैं रमन सिंह जी से कुछ चुनौती देता हूं कि पूरे विकास यात्रा प्रदेश भर में घूम चुके हैं, यहां आए सुपेबेड़ा में और यहां जो लोग पानी पी रहे हैं उस पानी पी के बताए जो सुपेबेड़ा के लोग पी रहे हैं। यहां हर घर में एक मरीज है। यहां के किसी की माँ खत्म हो गई, पिताजी खत्म हो गए, बड़े भाई खत्म हो गए। एक एक घर में 17-17 लोग किडनी फेलियर होने के कारण से मौत हो गई है। लोग मेकाहारा में इलाज नहीं कराना चाहते। वहाँ जो लोग गए हैं उसके वो आके उसकी मौत ही मिली है। वहाँ इलाज नहीं होता, वहाँ दुर्व्यवहार होता है और केवल लूट खसोट हो रहा है। ये शिकायतें गाँव वालों की मिली है। यहाँ के लोग वॉल्टियर जाके इलाज कराना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी सरकार एक न संजीवनी के न ही मेकाहारे पे लोगों को विश्वास। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही है, लेकिन सरकार अब भी कोई प्रयास नहीं कर रही। आप क्या ठोस कदम उठाएंगे सर? विधानसभा सत्र आ रहा है, उसमें भी लड़ेंगे और यदि नहीं करते 4 महीने बाद सत्ता परिवर्तन होगा। यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सर, जैसे आज आप आए हैं सर, चल रहा है, लेकिन आपको आने में सर 1.5-2 साल का मामला ये उठा हुआ है, लेकिन आप पहली बार आप यहाँ पर। देखिए, इस मामले की जानकारी त्रिलोचन भाई ने हम लोगों को दी और इस मामले को हम लोगों ने विधानसभा में उठाया है। हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग बाबूलाल साहू जी, गिरीश देवांगन जी सारे लोग आए और जब ये मामला तब भी सरकार ध्यान में नहीं थी तब हम लोग भी आए। सरकार रमन सिंह जी को हम लोग चुनौती देते हैं, यहाँ आए और यहाँ के पानी पी के बताए। मुख्यमंत्री जी ने 50,000 की घोषणा की है, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया है उनको। 50,000 से किसी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। यहाँ के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध करा दे। खेल नदी नजदीक में है और आस पास के 8-10 गाँव में इस प्रकार की शिकायतें हैं। वहाँ खेल नदी से शुद्ध जल वो उपलब्ध करा दे, ये लोगों की मांग है सर। जैसे इसको भी नहीं करा पा रहे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है सर? जैसे प्रशासन का प्रयास ठीक है या मौतों को रोका जा सकता था? 64 मौतें हैं, निश्चित रूप से रोका जा सकता था। ये शिकायतें 2005 से मिल रही है, 2017 में ये शिकायतें बढ़ी है। 9 लोगों की मौत हुई तभी मामला लोगों के ध्यान में आया। 1.5 साल बीतने के बाद भी यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ये तो शासन की लापरवाही है। सर, जैसे मंत्री का घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाता है, डायलिसिस मशीन की बात कहते हैं, तमाम तरह की सुविधाओं की बात कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता सर, क्या मानते हैं आप? नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो 10 किलो वजन के डायलिसिस के मशीन उन्होंने खोजा है, वो आके यहाँ क्यों इलाज नहीं करते? उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया सरकार का और यहाँ घर घर में मरीज है, उसके इलाज क्यों नहीं करते? जो रमन सिंह के जो दामाद है डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उन्होंने दावा किया था कि हम ऐसे मशीन खोज लिए हैं जो बहुत हल्का है और उसको
पीठ में लाद के ले जाया जा सकता है, तो फिर ला के यहाँ इलाज क्यों नहीं करते? और खुद यहाँ आए थे, ये पता चला, फिर इलाज क्यों नहीं कर रहे? सर जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, सर आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी का यहाँ पर प्रवास हो सकता है क्या? देखिए इस जानकारी में हम जब यहाँ के लोग बिलासपुर गए थे सुनवानी और उनके साथी, मैं राहुल जी से उनकी भेंट कराया था और हम लोग भी आए, हम लोग रिपोर्ट देंगे इस मामले को लोकसभा राज्यसभा में उठाने की कोशिश करेंगे हमारे सांसद के माध्यम से। तो अब इस मामले को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को जो तिल तिल के मर रहे हैं, ये सरकार के लिए चुनौती है, ये कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित रूप से लड़ाई और लड़ेगी। गरियाबंद से खिलेश्वर गोस्वामी की रिपोर्ट।